धम्म दीप प्रकाश उत्सव या धम्म प्रकाश उत्सव, इसको बौद्ध धम्म या बोधि धम्म प्रकाश उत्सव भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। ऐसा एक वीडियो पिछले साल बनाया था जिसमें ये बताया था कि कैसे कैसे भगवान बुद्ध अपने घर गए और वहाँ से कैसे कैसे आए, और ये जो फेस्टिवल की जो सीरीज और सो पूरी पूरी श्रृंखला है ये कैसे उनसे संबंधित है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारा है। इसके पक्ष में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आई, इसके विपक्ष में भी आई। जो विपक्ष में आई, जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सारे के सारे उत्सव हमारे हैं, उनकी भी बड़ी खुशी है कि वो लोग सब जागृत हैं, जगे हुए लोग हैं। कुछ साल पहले तक मैं भी सारे के सारे उत्सव जितने भी हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोधी था, चढ़ से उनका विरोध करता था। मगर मुझे किसी ने ये बताया नहीं, समझाया नहीं कि ये विरोध हम क्यों करते हैं, क्या कारण है। जो छोटी मोटी बात बताई उसका कहीं साथ या कोई जानकारी ऐसी जो हम कसौटी पे कसें और वो बिल्कुल खरी उतरे, ऐसी किसी ने बताई नहीं। एक विरोध इसलिए था कि ये हमारा आर्थिक नुकसान करते हैं, ये हमारा सामाजिक नुकसान करते हैं, ये हमारा राजनीतिक नुकसान करते हैं, और देश में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, इन उत्सवों से और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ये बात ठीक है कि गरीब आदमी के लिए जरूरत से ज़्यादा उत्सव के नाम पे खर्च करना या थोड़ा भी खर्च करना उसके लिए मौत के बराबर होता है। उसे अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, अपना काम चलाना होता है, और उत्सव की जो परंपराएं आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फालतू के खर्च होते हैं जो उस समय की ज़रूरत नहीं होते हैं। इस बात से बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग उत्सवों का राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं जबकि वो समस्याओं को नहीं उठाते, ये बात भी ठीक है, और कुछ लोग उसका सामाजिक फ़ायदा उठाते हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं और समाज में वैमनस्य बढ़ाते हैं, ये बात भी ठीक है। मगर फिर भी ये जिज्ञासा मेरे मन में बनी रही कि आखिर उत्सव स्टार्ट कब हुए और उत्सवों का उस जो स्टार्ट होने का या आरंभ होने का जो कारण है वो क्या रहा और क्या नहीं रहा। बहुत साहित्य छानने के बाद में जो छोटी छोटी बातें निकल के आईं उनसे बहुत बड़ी बात सामने आई कि कोई भी जो आक्रांता होता है या इन्वेडर होता है या आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है जो किसी भी देश पे आता है, जिसको बाह्य आक्रमण बोलते हैं, वही आक्रमण, ऐसे लोग कभी भी अपने साथ अपने उत्सव लेके नहीं आते, ना ही वो अपने साथ अपनी स्त्रियां लेके आते हैं। वो सिर्फ हथियार लेके आते हैं और उनका जो पर्पज होता है वो लूटना, खसोटना, झपटना और वहाँ जहर घोलना, वैमनस्यता बढ़ाना और वहाँ से भाग जाना। या अगर वो वहाँ जाके रहते भी हैं, वहीं अगर कब्जा कर लेते हैं या सेटल होते हैं तो वो उन उत्सवों पे भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। एकाध उत्सव वो अपनी विक्ट्री का या खुशी का बना सकते हैं या अपने साथ लाया हुआ फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उत्सव जो होता है या उत्सव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय में स्थापित होते हैं। कोई भी उत्सव अचानक एक दिन में स्थापित नहीं होता, साल दर साल लोग वहाँ आते हैं, कोई कारण बनता है, या तो कोई वहाँ विशेष स्थान का कारण रहा हो या जो वहाँ लोग हैं उन्होंने कोई खास बड़ा काम किया हो या कोई प्रतीक चिन्ह बनाया हो या कोई खास भौगोलिक स्थिति वहाँ की रही हो, तब जाके वहाँ उत्सव बनते हैं। भारत के सारे जो उत्सव हैं वो लगभग कृषि प्रधान हैं, क्योंकि भारत में नीचे से लेके ऊपर तक, ईरान से लेके बर्मा तक, खेती और किसानी यानी जो फार्मिंग होती है वही होती थी। तो फसल का आना, फसल का उगना, फसल का बोना, बीज का आना, फसल का इकट्ठा करना, पकना, फसल को घर में ले जाना या फसल को चेक करना, इन सब के उत्सव भारत के अंदर प्रमुख हैं। आज के समय में कृषि प्रधान तो बहुत जीरो हो गया है मामला, क्योंकि अब किसानों की इतनी ज़्यादा इज्जत विज्जत तो है नहीं, उनको तो एक तरह से भारत के अंदर सिर्फ पैदा अनाज करते रहे, उनको कोई हक अधिकार देने को तैयार नहीं है। जो लोग उस कृषि पे व्यापार करते हैं और उस पे राजनीति करते हैं, सारे फैसले किसानों के वही करते हैं। इसलिए
उत्सव भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए और व्यापार में, राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में उनको अधिकार बना के, उनको टूल बना के, उनका शस्त्र बना के, उनका वेपन बना के इस्तेमाल करने लगे। उस लिहाज से शायद ठीक है, मगर उत्सव खुशी भी देते हैं और एक परंपरा, एक जो संस्कृति है, यानी कि संस्कृत भाषा में जिसको संस्कृति बोलते हैं या जो वहाँ की कल्चर होती है, उसको भी बताते हैं कि वो कल्चर किन लोगों की रही है, कैसी रही है और उसमें क्या क्या हुआ है। इस हिसाब से, इतिहास के हिसाब से या जो मूल निवासी लोग हैं उनके हिसाब से, उत्सव उनकी सारी की सारी हिस्ट्री को बताते हैं, सारी सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए उत्सव जानना और सबको पहचानना अपनी संस्कृति, अपने साहित्य और अपनी इतिहास को पहचानने के लिए बहुत आवश्यक है। आप उन उत्सवों को मनाएं ना मनाएं, मगर उनको छान छान कर देखें जरूर कि ये किन लोगों ने किस समय किस परिस्थिति में कब बनाए और क्यों बनाए। जो ये दीपावली का उत्सव है, जिसके ऊपर विरोध में और समर्थन में बहुत सारी बातें आईं, जो आप अगर दीप शब्द देखेंगे तो दीप शब्द बहुत प्राचीन शब्द है और भारत का मूल शब्द है। आप ये सोचिए कि जब मनुष्य जंगल में रहता था और जिस समय अंधेरा होता था और आग जिस समय अपने आप आई या उसने आग जलाना सीखा, तो आग जलाने से जो रोशनी प्राप्त हुई तो उसके दिमाग में ये बात आई कि ये रोशनी उसके हाथ में कैसे आए, यानी कि ये रोशनी पे वो कंट्रोल कैसे करे। उस रोशनी को, उस आग को कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ युक्ति बनाई। तो उसने कुछ मोम लिया होगा या उसने कुछ जो चर्बी है जानवर की वो ली होगी और कोई बाती सी बनाई होगी और उसको जला के देखा होगा कि वो लगातार जल रही है, तब पहला दिया बना होगा, तब उसने रोशनी को कंट्रोल किया होगा और आग को कंट्रोल किया होगा। ये बहुत बाद में जाके हुआ होगा। इसलिए जो दिए की खोज है, यानी जो दीप की खोज है, इसको प्राचीन भाषा में यानी पाली प्राकृतिक में दीप बोलते हैं। जो दीप की खोज है वो भारत की मूल खोज है और इसका हमें पता चलता है क्योंकि जो चौथे नंबर के जो बुद्ध हैं उनका नाम है दीपांकर, यानी कि दीपांकर का मतलब है जो दीप की तरह प्रकाश को देते हैं या प्रकाश फैलाते हैं। दीपांकर नाम चौथे बुद्ध का है। एक बुद्ध की जो एज होती है वो लगभग 5,000 साल मानी जाती है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये बात सही है तो दीपांकर कितने पुराने बुद्ध रहे होंगे, चौथे नंबर के हैं, क्योंकि ये सम्यक सम गौतम बुद्ध 28वें नंबर के हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं आगे, तो जो दीप शब्द है वो इसलिए भी प्राचीन है क्योंकि दीपिका और दीपक, दीप शिखा और जो दीप वंश है, दीप वंश वो किताब है जो श्रीलंका के अंदर, यानी जो सिंगल है, वहाँ का बहुत पुराना काव्य माना जाता है। यानी जब धम्म अशोक के समय वहाँ गया, अशोक के बाद गया, तो उन लोगों ने दीप वंश की जो किताब है वो लिखी और काव्य के रूप में लिखी, उसका नाम भी उन्होंने दीप दिया है, यानी कि उन्होंने उसी प्राचीन हिस्ट्री से वो दीप निकाला है। इसलिए दीप शब्द में कहीं कोई डाउट नहीं है। जो आवली शब्द है, आवली का माने होता है पंक्ति या माला, यानी कि अगर कोई पंक्ति बनाते हैं फूलों की या माला बनाते हैं तो उसको आवली बोलते हैं या अवली बोलते हैं पाली के अंदर, पुरानी भाषा के अंदर। तो दीप की आवली यानी दीपावली, ये बहुत प्राचीन शब्द है और दीपों की लाइन लगा के जब दीप पंक्ति में बनाते होंगे तो उसको दीपावली या दीप आवली बोलते होंगे, वहाँ से ये शब्द बना है। इसलिए पाली का है, पुराना है, भारत का है। अगर कहीं ये लिखा है या नहीं लिखा है या नहीं भी है, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने तर्क का इस्तेमाल करके, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके आप इस तथ्य पे पहुँच सकते हैं कि ये जो दीपावली है, यानी दीपों की जो अली है, जो दीपों की लड़ी है, इसका संबंध भारत की प्राचीन सभ्यता से रहा है और वो सभ्यता भारत की है। आनंद के समय में, यानी बुद्ध के समय में, एक जिक्र आता है राजा उदयन का। जो राजा उदयन या जो राजा उदयन है, उनकी एक रानी है, दो रानी, उनकी मांगंदिया है और सामावती है। तो सामावती जब एक बार राजा उदयन से वर मांगती है, कहती है, ख्वाहिश करती है कि भगवान बुद्ध यहाँ आके देशना दें, रोज दें, भगवान बुद्ध मना कर देते हैं क्योंकि जो बुद्ध होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, वो बार बार एक जगह नहीं जाते, मगर वो आनंद को भेजते हैं। आनंद जब वहाँ देशना देते हैं, धम्म सिखाते हैं, तो जो सामावती है वो खुश होने के अपने 500 सहेलियों के साथ में, अपने जो दुशाला हैं, जो चीवर है, जो ऊपर उड़ा हुआ चीवर है, वो उनको दान कर देती हैं। दान का मतलब देना होता है, दे देती हैं और वो लेके जाते हैं।
जब राजा उदयन को पता चलता है कि आनंद 500 चीवर लेके चले गए, तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है। वो कहते हैं, क्या आनंद ने चीवर बेचने का धंधा किया हुआ है? अगली बार जब आनंद आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप चीवर का क्या करते हैं? तब वो कहते हैं कि हम चीवर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है उसको सबसे पहले देते हैं। वो पूछते हैं पुराने चीवर का क्या करते हैं? पुराने चीवर का वो बताते हैं कि चादर बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं, अंगोछा बनाते हैं, कपड़ा साफ करने का, फर्श साफ करने का बनाते हैं, और लास्ट में क्या बोलते हैं, बाती बनाते हैं, यानी जो कपड़ा बिल्कुल बेकार हो जाता है उसकी दिए की बाती बनाते हैं। इसका मतलब दिया बहुत पुराना शब्द रहा है। बुद्ध के समय में जो दीप है, जो दीप की बाती है, वो एक आम चीज़ थी, लोग जानते थे इसलिए। मगर पूरे पूरे साहित्य में जो धम्म प्रकाश उत्सव है, यानी जो आज का दीपावली है, उस दीपावली का ऐसा जिक्र नहीं है जैसा आज होता है, पटाखे छोड़ने वाला या मिठाई बांटने वाला। मगर बुद्ध के घर जाने का, और जब राहुल वहाँ उनको धम्म देते हैं, राहुल को अपने पुत्र को और अपने भाई को देते हैं, पूरे गांव को देते हैं, तो जो धम्म प्रकाश होता है उसका एक जिक्र आता है कि उन्होंने वहाँ धम्म फैलाया। उसके बाद ही दीपावली का, यानी कि जो दीपों की लड़ी है या ये उत्सव है, धम्म प्रकाश उत्सव है, उसकी बात होने लगी होगी, और शायद मगध के अंदर और आसपास के, क्योंकि वहीं ये सबसे ज़्यादा मना है, तो वहाँ इसको मनाना शुरू किया होगा। ये पूरी एक सीरीज है बेसिकली, जो आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होती है और छठ तक चलती है। ये पूरी फेस्टिवल की सीरीज है, जो पूरी पूरी उत्सव है उसकी एक सीरीज है, जो उसी एरिया में चलती है लगभग, और फिर बाद में पूरे भारत में फैल गई है, क्योंकि जहाँ सबसे पहले कोई काम मुख्य होता है वहाँ के लोग उसको करते हैं। इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है कि ये जो दीपावली का या जो दिवाली का या धम्म प्रकाश उत्सव का या धम्म दीपदान या दीपदान उत्सव, ये जितने भी नाम इसके कहें, जो ये फेस्टिवल आता है, ये फेस्टिवल भारत के मूल निवासियों का है, इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग कभी भी अपने साथ फेस्टिवल ले गए। और ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, इसको तो कहीं से आने का कोई जिक्र मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर बाहर के लोग इसको बाहर से लेके आए होते, अपने साथ लेके आए होते, तो उनके देशों में आज भी ये मन रहा होता। इसलिए उनके देशों में आज तक भी कहीं कोई दीपावली या दीपदान उत्सव या धम्म प्रकाश उत्सव या धम्म दीपदान उत्सव या दीपोत्सव, कहीं कोई इस नाम का उत्सव कहीं नहीं मनता। जब उनके यहाँ मनता नहीं, पूरी दुनिया में कहीं मनता नहीं, भारत में ही मनता है, तो ये भारत का ही है, 100% है, 200% है, इसमें संशय नहीं है। आप मनाएं या ना मनाएं ये आपके ऊपर है, आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। आपको फ़ायदा होता है मनाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई उत्सव बहुत पहले फ़ायदा देता हो तो वो आज भी फ़ायदा दे, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आज आपको नुकसान दे रहा हो सकता है कि आपको कहीं फ़ायदा भी दे रहा हो, ये आपके ऊपर है। आप पैसे खर्च ना करें, आप किसी को फ़ायदा ना पहुँचाएँ, ना राजनीतिक फ़ायदा पहुँचाएँ, ना सामाजिक पहुँचाएँ, ना आर्थिक पहुँचाएँ। अगर आपको ये तीनों फ़ायदे होते हैं, आपको लगता है कि इनसे तीनों फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, तो फिर तो मनाने में कुछ घाटा है ही नहीं। धन्यवाद।